Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and ever merciful. Hi students, how are you? You are welcome to the next lecture, which is about another type of noun, that is collective noun. Dear students, कलेक्टिव नाउन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन कई या बहुत सारे शख्सों के मजमुए का नाम होता है. फॉर एग्जांपल आर्मी या टीम. क्योंकि आर्मी में, जैसा कि आप जानते हैं, किसी एक शख्स को आर्मी नहीं कह सकते, उसमें फौज को आर्मी कहा जाता है. तो उसमें बहुत बड़ी तादाद होती है जिसको के फौज कहा जाता है. वो किसी भी मुल्क की फौज हो तो उसको हम आर्मी कहते हैं. इसी तरह टीम, टीम जो है, एक शख्स को टीम नहीं कहा जा सकता. टीम में मुख्तलिफ तादाद होती है अफराद की, मुख्तलिफ गेम्स के हिसाब से, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के हिसाब से, जो कि एक से ज़ायद होती है. इसी तरह कई जगहों के मजमूए को भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल टाउन या बाजार. टाउन बहुत सारे महलों और महलों में बहुत सारे मकानात पर मुश्तमिल होता है. इसी तरह बाजार में बेशुमार दुकानें हुआ करती हैं. तो वो एक नाम उसको दे दिया जाता है, मजमूई नाम, जिसको हम बाजार कहते हैं. इसी तरह या कई चीज़ों के मजमूए का नाम भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल डजन या लाइब्रेरी. क्योंकि हमें मालूम है कि डजन में तादाद 12 हुआ करती है. किसी भी चीज़ को हम अगर डजन में शुमार करते हैं तो डजन एक यूनिट है कि 12 की तादाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो जो कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, अंडों को की तादाद को शुमार करने के लिए हम डजन का इस्तेमाल करते हैं, केलों की तादाद को शुमार करने के लिए, फ्रूट किनू वगैरह की तादाद को, तो मुख्तलिफ अशिया की तादाद को हम शुमार करते हैं डजन में. तो एक दर्जन, दो दर्जन, तीन दर्जन का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं. या लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जो कि जहाँ बहुत सारी किताबों का मजमुआ रखा जाता है. किसी एक किताब को हम लाइब्रेरी नहीं कह सकते. तो गोया ये जो एग्जांपल हमने सुनी, ये तमाम मजमुओं को जाहिर करती है. डियर स्टूडेंट्स, हेयर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट के जो एग्जांपल्स आपने सुनी कि अपने कलेक्शन या कलेक्टिव नाउन से अलग करके किसी एक शख्स या एक जगह या एक चीज़ के लिए यूज़ नहीं की जा सकती, बल्कि अपने कलेक्शन के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है. अब आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं कि ये स्लाइड हमें बता रही है, please read it out. A collective noun is the name of a collection or a group of objects, people or creatures. के collective noun जो है वो एक इज्तिमाई नाम होता है किसी ग्रुप का, किसी अशिया के ग्रुप का, चीज़ों के ग्रुप का, यानी चीज़ों के मजमुए का, या आवाम के मजमुए का, लोगों के, इंसानों के, पर्सन्स के मजमुए का, या अशिया के, या मखलूकात के, यानी मुख्तलिफ चीज़ों के मजमुए का. तो इस तरह देखें आप ऑब्जेक्ट में अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ये आपको मिसाल नज़र आ रही है कि ये एक सीढ़ियों या सीढ़ियों का एक सिलसिला होता है जिसे हम फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कहते हैं. ये जीनों का एक सिलसिला जो एक ही स्तंभ में चला गया हो उसे हम अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कहते हैं. इसी तरह अ गैगल ऑफ गीज़
जो कहा जाता है वो हंस या मुर्गी या बतख की जो इज्तिमाई आवाज़ होती है, जब ये कुट 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 तमाम मिलकर जो जानवर ये आवाज़ निकाल रहे होते हैं तो उसको अगैगल ऑफ कीज कहा जाता है। इसी तरह एग्जांपल है अस्टिंग ऑफ पर्ल्स, कि पर्ल्स भी जो है वो एक क्रीचर एग्जांपल यहाँ दी गई है कि मोती, तो मोतियों की लड़ी, तो जो है ये लड़ी जो है उसमें मुख्तलिफ तादाद में काफ़ी तादाद में जो है वो मोती पुरे हुए होते हैं तो एक स्ट्रिंग कहलाती है वो, लेकिन उसमें एक बड़ा मजमुआ होता है मोतियों का, तो इसलिए उसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के एग्जांपल से हम उसको शिनाख्त करते हैं। तो अब देखें नेक्स्ट लाइन में आपको नज़र आ रहा है कि अ कलेक्टिव नाउन इज अ डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ सेइंग लॉट्स ऑफ। कलेक्टिव नाउन जो है वो एक इजहार करने का एक तरीका है कि बहुत सारी अशिया को, बहुत सारी चीज़ों को एक ही लफ्ज़ में, एक साथ या एक टाइटल के तहत, एक उनवान के तहत उनको हम बयान कर देते हैं और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मुराद हमारी होती है। इस तरह हमने ऊपर एग्जांपल्स में इस्तेमाल किया टीम, आर्मी, बाजार, टाउन या मुख्तलिफ जो एग्जांपल्स आपने देखी लाइब्रेरी या डजन, तो ये तमाम जो है ऐसे एग्जांपल्स हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों को एक ही लफ्ज में हम बयान कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सपीरियंस आप देखेंगे कि वी मे यूज द कलेक्टिव नाउन विदाउट द नाउन टू विच इट रेफर्स। और दूसरी खास बात इसकी ये है कि हम कलेक्टिव नाउन को ऐसी सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस नाउन की तरफ ये इशारा कर रहा होता है उस नाउन का हम उसमें बगैर इस्तेमाल किए हम उस इस्तेमाई वर्ड को, कलेक्टिव नाउन को इस्तेमाल करते हैं कि जिन अशिया की तरफ या जिन चीज़ों की तरफ उस कलेक्टिव नाउन में उनका नाम ही नहीं आता लेकिन उनकी तरफ इशारा कर रहा होता है, उनको एक्सप्लेन कर रहा होता है। मिसाल के रूप में आप देखें एग्जांपल आपको नजर आ रही है द स्टॉप, पैरेंथेसिस में आप देख रहे हैं कि ऑफ टीचर्स, तो यानी कि अगर आपको नजर आए कि स्टाफ जो है वो कौन सा था, टीचर्स पर मुश्तमिल था। वॉज यूनैनिमस इन इट्स डिसीशन, द स्टाफ वॉज यूनैनिमस इन इट्स डिसीशन, के स्टाफ का वर्ड जो यूज किया गया वो यहाँ टीचर्स के लिए यूज किया गया लेकिन स्टाफ में टीचर्स का वर्ड बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ये हमें पैरेंथेसिस में जो एक्सप्लेन किया गया है कि इससे मुराद जो है वो टीचर्स, राइट। डियर स्टूडेंट्स हम इसकी एग्जांपल्स में देखते हैं चार्ट जो हम एग्जांपल का ये स्लाइड में नज़र आ रहा है कि यहाँ चार्ट में आप देखेंगे कि थ्री डिफरेंट कॉलम्स दिए हुए हैं और हर कॉलम की एक हेडिंग हमें नज़र आ रही है, ये तमाम कलेक्टिव नाउंस की एग्जांपल्स हैं। तो देखें आप ये चार्ट जो है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉलम्स, यानी थ्री कॉलम्स पर ये मुश्तमिल है। लेफ्ट से अगर आप चलें तो लेफ्ट साइड पर जो है वो पीपल यानी इंसानों या आवाम या लोगों या पर्संस की जो है वो कलेक्टिव नाउंस हैं। उसके बाद इन द मिडिल यू सी द कॉलम ऑफ एनिमल्स एंड एट द राइट साइड यू सी द हेडिंग अदर। तो ग्रुप इसमें देखें आप पीपल के जो कॉलम में आप देखेंगे कि एक ग्रुप आपको नज़र आ रहा है कि हम ग्रोह के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी इंसानों का ग्रोह भी होता है और हम यहाँ पीपल के हेड में ही इसको यूज़ कर रहे हैं तो इंसानों की ग्रोह को हम ग्रुप कहते हैं। इस तरह क्राउड जो है वो एक, वो भी इंसानों के एक हुजूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्राउड का वर्ड है। इसी तरह टीम जो है उसमें भी तो मुख्तलिफ गेम्स की टीमें होती हैं तो हम यानी कि मुख्तलिफ तादाद उनमें हुआ करती है तो हम टीम का लफ्ज कलेक्टिव नाउन है और हम एक मजमू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह गैंग का वर्ड जो है वो भी एक ग्रोह या टोली
या जत्थे के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो है रॉबर्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह बोर्ड का लफ्ज़ आप देखेंगे कि ये कमेटी या अरकान काउंसिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और एक लफ्ज़ आप देखेंगे कि ज्यूरी आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें हम जो है वो जजों की एक जमात होती है, एक मजमुआ होता है, मुख्तलिफ तादाद पर मुश्तमिल होती है वो ज्यूरी। 7 जज भी हुआ करते हैं इसमें, या 5 होते हैं, या 8 जज होते हैं, वो मुत्तफ़िका उनकी एक पैनल होता है, तो जिसको हम ज्यूरी कहते हैं। तो इसी तरह क्लास है, क्योंकि हम जमात के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तलबा की होती है और उसमें भी मुख्तलिफ तादाद हुआ करती है, कम व बेश हो सकती है, लेकिन एक इज्तिमाई लफ्ज़ यानी कलेक्टिव नाउन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो नाउ कम टू द मिडिल कॉलम प्लीज स्टूडेंट्स। ये एनिमल के हेड से आप देखेंगे कि इधर आपको फर्स्ट एग्जांपल जो नज़र आ रही है कलेक्टिव नाउन के एनिमल्स में, कि हर्ड आप देख रहे हैं कि ये जानवर जो होते हैं वो गोल या गले की शक्ल में जो मिलकर रहते हैं या मिलकर चलते हैं, तो उनको हम हर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हर्ड ऑफ शीप का भी है। इसी तरह फ्लॉक जो है वो भी जानवरों के लिए, परिंदों के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, परिंदों का दल या झुंड जो है उसके लिए हम फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसके तरह स्वार्म जो यूज होता है वो एक, ये भी एक बड़ी जमात इंसानों की हुजूम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या खास तौर पर सिपाहियों के लिए जम्मे गफीर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह देखें कि पैक जो है वो भी मुख्तलिफ जो है वो इसको बड़ी इनके करेक्टिव नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम मजमूए के तौर पर भी कहते हैं, और एक अंबार को भी कहते हैं, अशिया का अंबार या गठे को भी कहा जाता है, यानी काफ़ी चीज़ें एक जगह जमा कर दी जाए। तो इसी तरह प्राइड का वर्ड आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, कि शान और शौकत या एक जाह जलाल के लिए इज्तिमाई यानी कलेक्टिव नाउन के तौर पर यह इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह नेस्ट के एग्जाम्पल आपके सामने है, कि इसको हम घोंसला कहते हैं, या घर की मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है ये, और एक झुंड के मानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह गैगल का वर्ड जो है वो पहले हमने इस्तेमाल किया, कि ये जो है मुर्गी बतख या हंस वगैरह का इज्तिमाई तौर पर जो वो मिलकर एक आवाज़ निकालती हैं, तो उसको कट कट वगैरह की आवाज़ जो है, तो उनका कुट कुट करना ये गैगल कहलाता है। इसी अदर एग्जांपल्स में आप देखेंगे कलेक्टिव नाउन्स की, कि बंच जो इस्तेमाल होता है वो बंच ऑफ फ्लावर्स या बंच ऑफ कीज, यानी ये भी एक इज्तिमाई एक तादाद के लिए, फूलों का गुलदस्ता या चाबियों का गुच्छा, उसके लिए हम बंच का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है, देखिए आपके पाइल का जो वर्ड इस्तेमाल होता है ये यूज़ किया जाता है पौधे के लिए या ढेर के लिए, अंबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आप देखेंगे नेक्स्ट में कि सेट का जो वर्ड है ये भी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कि हम टी सेट, सोफ़ा सेट, फ्रूट सेट एक्सेट्रा की एग्जाम्पल्स हम हमारे सामने मौजूद हैं। इसी तरह अगेन द वर्ड ऑफ पायर वी सी, ये जो है एक शानदार सिलसिला इमारात को हम कहते हैं। तो इसी तरह जो है ग्रुप का वर्ड जो है हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, जो कि एक ग्रोह के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के ग्रोह के लिए इस्तेमाल होता है, इस मजमुए के लिए उनके इज्तिमा के लिए। और इसी तरह सीरीज जो है वो भी एक कलेक्टिव नाउन इस पर इस्तेमाल किया जाता है, किताबों के लिए या रिसालों की सीरीज होती है, या नॉवेल्स की सीरीज होती है, या किताबों की सीरीज होती है, ड्रामों की सीरीज होती है, तो उसको हम सीरीज यानी कि एक सिलसिला मुसलसल जो है वो चल रहा होता है, एक के बाद दीगर एक के बाद दूसरा जो है वो आता जाता है, किताब या रिसाला या ड्रामा या नावल, तो ये मुसलसल सिलसिला वो जारी रहे। इसी तरह कलेक्शन जो वर्ड है वो भी एक इज्तिमाई वर्ड है, कि हम
इसको मजमुए को कहते हैं, ये किताबों का मजमुआ या सीडीज का मजमुआ या ड्रामों का मजमुआ, तो ये कलेक्शन का वर्ड जो है ये कलेक्टिव नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दिस लेक्चर आई थिंक स्टूडेंट्स यू हैव फॉलोड द लेक्चर। फॉर फीडबैक आई वुड लाइक to ask you to discuss the collective noun with your family members and collect the examples, 5 for each column, 5 examples for each 3 columns, that are people, animals and others. Okay, thank you very much. It's all for this lecture. All the best. See you next. Thanks a lot.